साहब और हल्के कारोबार के तमाम जीएचएमसी कारपोरेटर्स और टीआरएस पार्टी के कारोबार के जिम्मेदार जनाब जीवन सिंह साहब और हमारे हल्के कारोबार के वो गोलकुंडे के दुर्ग बस्ती जनाब राजू असर साहब और हमारे सीनियर, मैं जब से देखता हूं करीब 30 से 35 साल से वाइट क्षेत्र वाइट विवाद रखने वाले कांग्रेसी लीडर हमारे बुजुर्ग और यहां पर मेरे साथी बस्ती के नौजवान दोस्त है, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और खास तौर से यहां पर जो आज बस्ती दाखने का जो प्रोग्राम किया गया, ये रंगरौज के अंदर काफी दिनों से हम कभी अम्बेडकर नगर, कभी प्रशांत नगर, कहीं खुद को वहां पर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं काफी दिन महसूस करने के बाद रामदेवड़ा हो या मेरे इलाका इब्राहिमबाग के अंदर रहने वालों के लिए अगर छोटी खच्ची जुकाम नजला या बुखार की हरारत क्या से भी अगर जाना है तो मैं समझता हूं या गोलकुंडा या रंगरौज को जाना पड़ता। और इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरी जमात के सदर हैदराबाद एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको बताया यहां पर इब्राहिमबाग के अंदर एक बस्ती दाखना डालने के लिए। उसके बाद मुझे बता रहे हैं उनके एरिया में देखो इतने किस्मत वाले अपने यहाँ के कारवां कॉन्सेशन के आवाम, तो हमारे इब्राहिमबाग वाले के साथ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, बुजुर्ग हर हर बस्ती बस्ती का आप देखते रहते कुछ ना कुछ वो होते रहता। हमारे बस्ती में तो ऐसा नहीं होता साहब, हमारे बस्ती में हर परिवार हमारे पटेल साहब जो पटेल ना रहे जब से हमारे ऑल कम्युनिटीज हम एक परिवार के जैसे रहते साहब, ना हिंदू नहीं मुसलमान हमारे परिवार में रिश्तेदार ऐसा हमारा ये बच्चा मेरा दामाद है। एक बार मैं पुलिस स्टेशन गया था अख्तर भाई बोल के भाई ने उनके पासपोर्ट को जरा मुश्किल हो तो गए तो बोले जाओ ना मेरे बहु है बोला अरे अभी है अरे मेरे बहु है मेरी बहन है भाई तुम क्या बात करो बोल के बताए। तो ऐसा रिश्ता हमारे पास है तो आप लोगों से जो सुंदर गुजार करता हूँ और हमारे सबके सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो बता दिए फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि कमर इजाज के ऊपर के डॉक्टर का ये वो अगर आपके नजर में रहे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.